बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। पहले लोग बारिश के लिए तरस रहे थे, लेकिन इसके बाद कई इलाकों में भारी बारिश हो गई। तो चलिए जानते हैं कि बिहार में मौसम का हाल क्या है। बिहार में मॉनसून ने अब धीरे धीरे अपने लय में भी आना शुरू कर दिया है। कई जगहों पर बारिश होने से मौसम खुशनुमा भी हो गया है। तो चलिए एक बार जानते हैं मौसम का क्या अपडेट है। मौसम के लिहाज से चिंता की बात यह है कि सावन के महीने में बिहार में मॉनसून पर ब्रेक है। आईएमए इसे ड्राई सैंपल की संज्ञा दे रहा है। यह स्थिति अगले 4 दिनों तक बनी रह सकती है। मॉनसून कमजोर होने से दिनों रात के तापमान में भी इजाफा हुआ है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। आईएमडी के अनुसार बिहार में अगले 48 घंटे तक अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक इजाफा होने की संभावना है। मंगलवार को दिन में आसमान साफ दिखाई दिया, बादल भी थे तो बिल्कुल सफेद, जिससे कि बारिश की संभावना दूर दूर तक नहीं हो रही थी। प्रदेश में औसत अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहा है। सबसे अधिक तापमान 39 डिग्री सेल्सियस नवादा में दर्ज किया गया। बिहार में बारिश की किल्लत हो गई है। 17 जुलाई तक के आंकड़े के अनुसार प्रदेश में 34% से कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं बता दें कि 361.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 237.2 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई। बिहार के करीब से मॉनसून की ट्रफ लाइन गुजर रही है। इससे अगले कुछ दिनों तक बिहार के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना भी जताई गई है। मुजफ्फरपुर से देहरादून जाने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस सोमवार को रद्द रही। इससे ट्रेन से जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हुई। बताया जाता है कि बाढ़ के कारण से देहरादून से चलकर मुजफ्फरपुर पहुंचने वाली ट्रेन रविवार को नहीं आई। इस कारण से सोमवार को दोपहर 2 बजे खुलने वाली ट्रेन को रद्द करना पड़ गया। बार बार इस ट्रेन के रद्द होने की जानकारी यात्रियों को अनाउंसमेंट काउंटर की तरफ से दी जा रही थी। हालांकि अलग अलग रेलवे से जुड़ी कई ये पर राप्ती गंगा एक्सप्रेस के दोपहर 2 बजे के बजाय शाम 5:30 बजे खुलने का समय बताया जा रहा था। इससे यात्री काफी ज्यादा कंफ्यूज भी रहे। इधर दिल्ली, पंजाब सहित अन्य राज्यों से आने वाली कई ट्रेनें घंटों विलंब से पहुंची थी। मुजफ्फरपुर जिले में मॉनसून की सक्रियता कम हो गई है। सोमवार को दिन भर आसमान में बादल मंडराने के बाद भी बारिश नहीं हुई। धूप और छांव की स्थिति बनी हुई थी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 19 जुलाई तक हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई। दूसरी ओर धीरे धीरे फिर से उमस का लेवल बढ़ने लग गया। बीते 3 दिनों से पारा स्थिर बना हुआ है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बीते रविवार को अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नदियों के बढ़े जलस्तर से बाढ़ का भी खतरा मंडरा रहा है और बारिश की चेतावनी अब भी है। वहीं बता दें कि बिहार में मॉनसून सक्रिय है, नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। बिहार के 3 जिलों जिसमें है पटना, वैशाली और सीतामढ़ी में ठनका की चेतावनी है। बारिश के भी अनुमान जताए गए हैं। पटना, वैशाली और सीतामढ़ी में अगले 3 घंटे के लिए ठनका को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। पटना में 2 डिग्री तक तापमान गिरा है और बिहार के अधिकांश जिलों में तापमान में गिरावट आई है। वर्षा को लेकर चेतावनी अब भी जारी की गई है। वहीं बात करें दक्षिण बिहार की, तो दक्षिण बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। इसके बाद उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। मंगलवार को भी बारिश को लेकर अलर्ट है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है और बता दें कि पटना में ठनका को लेकर चेतावनी है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, रोहतास, कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद, भोजपुर, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय और लखीसराय में भी अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात और मेघ गर्जन के आसार है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।